प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय हिंदी मीडियम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं हिंदी का एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा आपने सुना, हिंदी साहित्य इतिहास बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये हिंदी का। जैसा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी चीजें हैं, सबका कुछ ना कुछ इतिहास है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी हमारी एक भाषा ही नहीं है, वरन यूं कह लिया जाए कि हिंदी एक संस्कार है, हिंदी एक सम्मान है। वास्तविक रूप में जिस धरा पर, जिस देश में, जिस सागर पर हमारा जन्म हुआ है, सभी रूपों में हमारा नाता ही हिंदी से रहा है। और हिंदी से इतना प्राचीन नाता होने के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें हिंदी को जान लेना बेहतर होगा। बेहतर यह है कि हिंदी को हम कैसे जानें। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी क्या है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि साहित्य क्या है, और उसके बाद आपको अवगत कराएंगे हम कि इतिहास किस चीज को कहते हैं। चलिए आइए बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले हिंदी क्या है। तो हिंदी का जन्म, उद्भव या इसका की पैदा, यानी हिंदी कहाँ से निकली और हिंदी को हम कैसे आज हम अपने अंतःकरण में पल्लवित करते हैं या पुष्पित करते हैं या इसको जो है बढ़ाते हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले हिंदी क्या है। हमने पहले बताया कि हिंदी केवल एक भाषा का नाम ही होकर सीमित नहीं रह जाती, वास्तविक रूप में हिंदी हमारा सम्मान है, संस्कार है और हमारा वजूद है। चलिए देखते हैं हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। तो यूँ कहा जाए तो हिंदी को जानने से पहले ये जान लीजिए कि हमारा जो ये भारत देश है, इस पर बहुत पहले से ही, प्राचीन समय से ही विदेशियों का आक्रमण होता चला आया, और इसी विदेशियों के आक्रमण के कारण हमारे भारत में सबसे पहले आए ईरानी आए। ईरानियों को ही भारूपी कहा गया। ईरानियों ने इस भारत देश का जो प्राचीन नाम रहा उसका नाम था सिंध। जैसा कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में का जो एक संस्कार है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक ऐसी सभ्यता रही जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी, सबसे विशाल और सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। इसी ईरानियों ने सिंध को सा के जगह ह पढ़ा और ह को इन्होंने ही कह दिया, और ध की जगह इन्होंने ये ध को द बोला करते थे, इसलिए एक नाम बना हिंद, और हिंद से बना हिंद, और हिंद से बनी हमारी हिंदी। इस तरीके से बन गई एक भाषा हिंदी, जिसको आधुनिक समय में हमने कहा कि यह एक भाषा न होकर वरन एक संस्कार तक इसकी गरिमा पहुँचती है। अब आ जाइए हिंदी के बाद हम समझते हैं कि साहित्य क्या है। जैसा कि हमने कहा कि सभी चीज़ों का कुछ न कुछ इतिहास रहा है, और इसी इतिहास के पहले एक शब्द आया साहित्य। साहित्य का मतलब होता है, साहित्य का अगर हम डिवाइडेशन कर दें तो साधन हित्य, तो सा का मतलब होता है सबका हित्य, सा का मतलब होता है सबका, और हित्य का मतलब होता है हित, यानी जहां सबके हित की बात की जाए, सबके सम्मान की बात की जाए, सबकी उम्मीदों की बात की जाए और सबके आकांक्षाओं की बात की जाए, जहां सबका हित हो उसे साहित्य कहा जाता है। इस तरीके से बना हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे ही कह लिया जाए कि छोटे शब्दों में कह दिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास,
तो यह केवल छोटी मोटी बात नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये बहुत ही पुराना है। ये 900 वर्षों का ये साहित्य रहा, वास्तविक रूप में ये 900 वर्षों का जो साहित्य आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम श्रेय वैसे हमारे भारतीय विद्वानों को प्राप्त नहीं हुआ, ये हुए विदेशी विद्वान जिनका नाम था, चलिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय गारसा द तासी को प्राप्त है। गारसा द तासी के बारे में हम आपको बताएं कि यह विद्वान तो भारतीय नहीं था, वरन विदेशी था, यह विद्वान रहने वाला था फ्रांस का, और फ्रांस देश का यह निवासी था, और इसकी जो भाषा थी यह थी फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा में ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास खुला, जिसको लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी को प्राप्त हुआ। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में जो हिंदी साहित्य लिखा उस साहित्य का नाम था स्थावर द ला लिटरेचर इन लुई ए हिंदुस्तानी, स्टावर द ला लिटरेचर इन लुई ए हिंदुस्तानी, अर्थात ये तो फ्रेंच भाषा का लिखा ये शब्द था, ये पंक्ति थी जिसको लिखने का श्रेय गारसा द तासी को प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि इस साहित्य यानी हिंदी साहित्य का जो हिंदी अर्थ निकला, इसका मतलब होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। हालांकि इस पावर वाला लिटरेचर एंडोई के हिंदुस्तानी जो गारसा द तासी जो फ्रेंच विद्वान रहे, इन्होंने जिस साहित्य को लिखा, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिकों ने फ्रेंच भाषा को उतनी सटीक तरीके से उतना सही रूप में इसको समझने का जो प्रयास किया वो समझ नहीं पाए, और आखिरकार इसका हिंदी अनुवाद किया, यानी इस पावर वाला लिटरेचर एंडोई के हिंदुस्तानी का जो हिंदी अनुवाद हुआ उसको करने का श्रेय प्राप्त हुआ एक भारतीय विद्वान या भारतीय साहित्यकार कह लीजिए, जिनका नाम था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी जिन्होंने गारसा द तासी द्वारा लिखे गए स्थावर द ला लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया, वह विद्वान थे शिव सिंह सेंगर जी, इन्होंने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया। हालांकि शिव सिंह सेंगर जी द्वारा दिया गया स्थावर द ला लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद भी सटीक रूप में नहीं आ सका, अर्थात यूं कह लिया जाए कि इस साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन जैसे आदि चीज़ों की समस्याएं बनी रह गई, जिसके कारण आखिरकार हिंदी साहित्य के इस इतिहास लेखन पर एक कलम चली, एक लेखनी चली हिंदी साहित्य के महावर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा अधूरा दिखाई देता है, वह थे हिंदी साहित्य के महामर्मज्ञ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का वह गौरव हासिल किया जिस गौरव की हिंदी साहित्य भूखी थी। आखिरकार इन्होंने हिंदी साहित्य का ऐसा अद्भुत वर्गीकरण किया जो सही रूपों में आज हमारे सामने, चाहे किताबी रूप में हो चाहे साहित्य रूप में हो, वह व्यवस्थित तरीके से आज हम उसी चीज़ों का अध्ययन 9th से लेकर के 12th की क्लासों में अध्ययन करते हैं।
चलिए देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण किया है, हिंदी साहित्य के और विद्वान आए जिनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने साहित्य शब्द को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया और कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। सटीक रूप से देखने का प्रयास करिएगा, इन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति में एक श्लोक स्लोगन रूप में कह दिया कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस पंक्ति को कहने के पीछे जरूर कुछ न कुछ बात रही होगी। चलिए देखते हैं और आपको इस चीज का मतलब भी हम बताएंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है। यह पंक्ति आई थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। द्विवेदी जी ने आखिर क्यों कह दिया कि साहित्य समाज का दर्पण है? भाव यह है कि वास्तविक रूप से साहित्य ही समाज का आईना होता है। अगर साहित्य न होता तो आज हम आधुनिक या बीते हुए समाजों का प्रत्यक्षीकरण न कर पाते। क्योंकि जैसे उदाहरण रूप में, जैसे आप देखिएगा, एक उदाहरण हम लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं रामायणकालीन साहित्य, यानी रामायण कालीन साहित्य, और इधर हम कर लेते हैं महाभारत कालीन साहित्य। क्यों अब कहा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पंक्ति क्यों कही कि साहित्य समाज का दर्पण है? इन्होंने प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। जैसा कि हम बता रहे थे साहित्य समाज का दर्पण है, इसी बिंदुओं को लेकर आगे हम आएंगे फिर से। नेक्स्ट जैसा भी रहा होगा ये वीडियो, आप हमें जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको यह वीडियो पढ़ने के बाद।